दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में एक शख्स ने मारा थप्पड़, हिरासत में लिया गया युवक। पीएम मोदी ने प्रतापगढ़ और बस्ती में एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट, रैली में राजीव गांधी पर भी कसा तंज, कहा मिस्टर क्लीन का जीवन काल भ्रष्टाचारी नंबर वन के रूप में समाप्त हुआ था। रक्षा सौदों को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी ने एक बार फिर साधा निशाना, वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, दलाली करने वाले कंपनी में हिस्सेदार रहे हैं राहुल गांधी। अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया रोड शो, बोले जनता की आस्था मोदी में है, कई पुश्तों ने अमेठी के लोगों के साथ किया खिलवाड़। भाई के लिए अमेठी में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर लगाया पैसे बांटने का आरोप, अमेठी में राहुल को बीजेपी प्रत्याशी स्मृति से मिल रही है कड़ी टक्कर। यूपीए सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर वीके सिंह का पलटवार, बोले यूपीए सरकार के दौरान नहीं हुई थी कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक, उस दौरान वे थे सेना प्रमुख। माकपा नेता सीताराम येचुरी के विवादित बयान पर बाबा रामदेव हुए खफा, दर्ज कराई FIR, बोले येचुरी अपना नाम बदलकर रावण रख लें, कई संतों का भी मिला साथ। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल और हनुमान सेना पर लगेगा प्रतिबंध। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट तय, अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी फिल्म। नाई की दुकान चलाने वाली यूपी की दो बहनों से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कराई सेविंग, कहा अब तक सबसे बेहतरीन अनुभव, जिलेट इंडिया ने दोनों बहनों को दी स्कॉलरशिप। ओडिशा में फानी के चलते नीट परीक्षा कैंसिल, नई तारीख जल्द होगी घोषित, देश के अन्य हिस्सों में 5 मई को होगी परीक्षा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फानी के कारण 10 लाख लोग प्रभावित, तटीय क्षेत्रों से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। फानी की तबाही रोक भारत ने दुनिया को बताया जानलेवा तूफानों से निपटने का तरीका, UN ने भी की तारीफ। 5वें चरण के चुनावों के लिए आज थम गया चुनाव प्रचार, 7 राज्यों की 51 सीटों पर सोमवार को होगा मतदान। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महबूबा मुफ्ती सहित कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।